गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आग लाइक मेंशन नहीं चाहिए। अच्छा तो कैसे भैया, कब से चल रहा है? ठीक है, हम तब तक अगर हम इसको लिंक को ही फॉरवर्ड कर देते तब भी अच्छा रहता, हमने वो भी नहीं किया। तुम ही लोग कर दिया करो कम से कम। है याद दिला दिया, अगर सर जी लिंक को फॉरवर्ड करना है ये लो भैया। ठीक है, हो गया। चलो तो भाई शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेंगे, जिन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको लिंक को एक जगह ये रही डॉक्टर साहब, ये रही। तो कल से हमारे मुझसे डॉक्टर डॉक्टर बहुत निकल रहा है। चलो तो भाई कैसे हो आप लोग? मस्त हो? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? और प्री की टेंशन है क्या? प्री की टेंशन चल रही है क्या? चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। और आज थोड़े क्वेश्चन भी कठिन रखे हैं, मतलब कठिन नहीं है लेकिन थोड़े सुने हुए नहीं होंगे तो आपको कठिन लगेंगे, क्योंकि दो चार हमको चीज़ें आज बतानी थी तो हमने बता देंगे। हाँ ओके। आपकी हमने एक मैराथन सोच रहे हैं, मतलब रात को 8 बजे ही सोचेंगे, 7 से 9। मतलब आप टाइमिंग मुझे बताना कि रात को जो 8 बजे क्लास होती है वो क्लास एक दिन हम रख देंगे 7 से 9, संडे को रख लेंगे, संडे को या नेक्स्ट या कभी प्लान करेंगे जब भी मुझे टाइम मिलेगा। 7 से 9, 9 2 घंटे की लेंगे, पूरी हॉर्टिकल्चर उसमें खत्म कर लेंगे एक साथ, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, जुड़े रहिएगा बस। चलिए, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम पर प्राप्त होती रहे। और साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अपडेट्स में जान लीजिए कि जो भी अपडेट्स हैं उनमें हमारा IPS AFO का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और वो बैच मतलब 14 फेब से स्टार्ट होगा, और उस बैच के अंदर आप सिंपली इनरोल कर सकते हैं अगर आप नेक्स्ट ईयर AFO का प्लान कर रहे हैं तो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर का AFO का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका अभी इस पर डिस्काउंट है 80% का। आप सिंपली Y612A इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे किसी बैच इनरोल करने के लिए। इसमें जो बैच चल रहा है पंजाब रेडियो और बिहार का BSFSC और राजस्थान का FSO चल रहा है, इनके लिए भी आप ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली Y612A ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, हाँ ओके। चलिए बेटा, क्लास की PDF जो है संदीप सर की क्लास की PDF आपको मिल जाएगी एग्रीकल्चर 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे पर कोई PDF ऐसी चीज़ होती नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन होते हैं, आप क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो आपका यही काम चल जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस क्रॉप, इनमें से कौन सी मोनोसियस क्रॉप है? देखो आज के क्वेश्चन थोड़ा सा आराम से बैठे करिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स है, तो इनको आराम से डील करिएगा, ठीक है। और इनकी जानकारी को लिखे, देखो रात वाली क्लास में मैं टू द पॉइंट मेरे क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो रात वाली क्लास अभी जरूर जरूर अटेंड करना। और आज इस क्लास के आपको क्वेश्चन लिखने हैं, जो मैं बता रहा हूँ उन जानकारी को लिखना है, बताइए। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा सभी को, गुड मॉर्निंग अरिंदम, साक्षी, विष्णु, आशुतोष, कुलदीप, ठीक है, आकाश, सुमन, सोनू, एजज, ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए अब बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर डी बच्चे दे रहे हैं कि सर नटमेग, टोमेटो, कोरिएंडर, कसावा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कसावा आंसर दे रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। क्या दे रहे हैं? कसावा दे रहे हैं। अब देखो हमें क्या, अब देखो इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है आपके कुछ जो लिखा रहे हैं उससे, तो उसको भी टू द पॉइंट लिखिएगा। देखो कसावा की अगर मैं बात करूंगा तो कसावा का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक होता है मेनी हॉट एस्कुलेंटा। क्या होता है? मेनी हॉट एस्कुलेंटा, ठीक है, ये एग्जाम में आता है कि मेनी हॉट एस्कुलेंटा किसका साइंटिफिक नेम है, तो एक कसाबा का होता है। दूसरा क्वेश्चन कसाबा से क्या बनता है कि कसाबा के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, ठीक है, तो लगभग 38% पाया जाता है, यानी कि जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं उन वेजिटेबल्स में मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाया जाता है किसके अंदर? कसाबा के अंदर, ठीक है। इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा हूँ मैं, ओके। इसके अलावा कभी कभी आपसे पूछता है कि फैमिली क्या होती है इसकी, तो बेटा इसकी जो फैमिली होती है वो U4BSE होती है। क्या होती है? U4BSE होती है, U4BSE होती है। और इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है कसावा का, वो क्या होता है? वो ब्राजील होता है। क्या होता है? ब्राजील, ठीक। तो यहां पर इतनी जानकारी याद होनी चाहिए कि मेनू हॉट एस्कुलेंटा साइंटिफिक नेम होता है, कार्बोहाइड्रेट इसके 38% के आसपास होता है, ठीक है, और साथ साथ E4BSE इसकी फैमिली होती है, याद रखिएगा, ठीक है। हाईएस्ट एरिया की बात करेंगे तो केरला में, ठीक है, केरला में बहुत ज़्यादा ये ग्रो किया जाता है, ठीक। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कसावा को हम लोग इंटरमीडिएट बोल देते हैं, इंटरमीडिएट काहे का? C3 और C4 प्लांट का। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा बॉटनी के दृष्टिकोण से, इंटरमीडिएट है ये C3 C4 प्लांट का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना है कि भैया किस प्लांट, किस सब्जी को, यार मतलब इनमें से किसको इंटरमीडिएट बोलते हैं C3 और C4 प्लांट का,
तो C3 सिंपल प्लांट का इंटरमीडिएट बोलते हैं कसावा को, ठीक। और इसके अलावा याद रखिएगा एक या दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट बन सकते हैं। वो क्या है कि देखो ये मेनली जो है, ठीक है, अच्छा ट्रॉपिकल, सॉरी कसावा ट्रॉपिकल अखी है, कसावा ट्रॉपिकल अखी है, अखी क्या मतलब, हाँ वैसे तो सब्जी की बात करेंगे तो मेनली जो कसावा ये मेनली ट्रॉपिकल है, सही है, मेनली कैसा है ये, मेनली कैसा बच्चों, ये ट्रॉपिकल है याद रखिएगा, ठीक। ये ड्रॉट रेसिस्टेंट भी होता है, ये भी लिख लो, बस ये क्या होता है ड्रॉट रेसिस्टेंट भी होता है, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता इसको नहीं पड़ती है, तो कैसा है ड्रॉट रेसिस्टेंट है। इसके अलावा श्रीहर्षा, श्री प्रकाश, श्री जया, श्री विजय और निधि, इसकी वैरायटी है। तो श्रीहर्षा और श्री प्रकाश, हर्षा, श्री प्रकाश, श्री विजय, ये इसकी वैरायटी है। अब देखो इतनी जानकारी आपको हमने कसावा के बारे में बताई, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर सरल क्वेश्चन बनेगा तो क्या पूछ लेगा कि कसावा का साइंटिफिक नाम क्या है, फैमिली क्या है और कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये तो सरल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। थोड़ा सा कठिन पूछेगा तो श्री प्रकाश, श्री जया के बारे में, जया के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, हर्षा के बारे में पूछ लेगा। और कठिन पूछेगा तो पूछेगा बताइए इंटरमीडिएट कौन सा है C3 C4 प्लांट का, तो इंटरमीडिएट कौन जाएगा आपका, वो आएगा आपका कसावा, ठीक। ये जानकारी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जानकारी और है, जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, देखो ध्यान से सुनिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, देखो कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंटेज है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज है वो सबसे अधिक कसावा में होता है, ठीक। इसके अलावा किसमें होता है, तो दूसरे नंबर पर आता है आपका स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं 28%। और तीसरे पे आता है आपका पोटैटो 22%, ठीक। तो ये जानकारी भी एडिशनल याद रखिएगा, हो सकता है एडिशनल पूछ ले आपसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फाल्सा प्रोपोगेट भाई, फाल्सा जो है मुख्यतः किससे प्रोपोगेट किया जाता है बताइए। हाँ तो बेटा देखो पूरी क्लास को अटेंड करने की पूरी कोशिश किया करो, ठीक है। अगर आप पूरी क्लास को अटेंड करने की कोशिश नहीं करोगे तो होता क्या है कि जो जानकारी हम लिखवाते हैं वो जानकारी आपकी छूट जाएगी, ठीक है, ओके। ताकि आपकी भी अपडेट रहे और हमें भी लगे कि हाँ भैया जो क्लास करवा रहे हैं, जो जानकारी अलग से लिखवा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा वाई की बात नहीं है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको बॉटनी, आप फिर बॉटनी ज्वाइन करेंगे सामान्य क्लास में, वहाँ समझा देंगे, ठीक है, डोंट वरी। अभी आप इस चीज़ को पढ़िए अच्छे तरीके से, आशुतोष, ठीक, ओके, यहाँ तक हो गया। चलो अब बताइए फाल्सा को मुख्यतः प्रकट किससे करते हैं, टी बडिंग से करते हैं, ग्रेफ्टिंग से करते हैं, लेयरिंग से करते हैं, सीड से करते हैं, बताइए। अब यहाँ पर दो तीन ऑप्शन बच्चे बोल रहे हैं, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है, किससे करते हैं, तो मुख्यतः जो है इसे किससे करते हैं, सीड से प्रोपोगेट करते हैं, ठीक बात है, किसे करते हैं मुख्यतः सीड से करते हैं। अब देखो प्रोपोगेशन की बात है, तो प्रोपोगेशन में आपको एक एक चीज को याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, जब भी क्वेश्चन बनेगा आप बहुत ध्यान से इसको लगा लेंगे, क्या बनेगा देखो, आराम से बैठना। सबसे पहले आता है हमारा कटिंग, क्या आता है कटिंग, आता है कटिंग में हमारे आता है कौन सा, हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, ये दोनों बहुत फेमस है, ठीक। बाकी तथा आपका सेमी हार्ड आता भी, वो भी आता है, हार्वेस्टेड आता है, तो दो बहुत फेमस है। हार्डवुड कटिंग की बात करेंगे तो फिग में हार्डवुड कटिंग करते हैं, ग्रेप में हार्डवुड कटिंग करते हैं, अनार में एयर लेयरिंग और हार्डवुड कटिंग दोनों कर सकते हैं, ठीक। करौंदा में भी हार्डवुड कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, और मलबरी में भी हार्डवुड कटिंग करते हैं, ठीक। सॉफ्टवुड कटिंग की बात करेंगे तो टी में सॉफ्टवुड कटिंग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो कटिंग से ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आपसे ये पूछ सकता है कि बेटा जो हार्डवुड कटिंग होता है इसमें जो हम लोग कटिंग लेते हैं यानी कि जो ब्रांच लेते हैं वो ब्रांच की लंबाई कितनी होती है, ठीक है, या वो ब्रांच जो है कैसी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना कि जो ब्रांच है बेटा वो लगभग 10 से 40 सेंटीमीटर की लंबी होनी चाहिए और उसकी मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पेंसिल की थिकनेस, जैसे जैसे हमारा पेन है ना, इस पेंसिल की थिकनेस जैसी इसकी होनी चाहिए, मोटाई होनी चाहिए, ठीक। और साथ ही साथ दो तीन इसमें बड़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बड़ हो ही ना, दो तीन बड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो हमारी एक ब्रांच होती है, साइन होता है, वो सुटेबल होता है किसके लिए, कटिंग के लिए, ठीक, याद रखिएगा। अच्छा अब देखो बात ग्रेफ्टिंग की कर लेते हैं। अब देखो ग्रेफ्टिंग में कौन कौन से आते हैं, ध्यान सुन लो, ये देखो जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ सुबह वो भी याद करिए, लेकिन जो मैं लिखा रहा हूँ ये ज़्यादा याद करिए, ठीक है। इसीलिए मैं क्वेश्चन रात वाली क्लास में क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस रहा, क्योंकि उसमें
क्वेश्चन करवाने होते हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा टाइम कम मिलता है, पर उस सुबह वाली क्लास में मैं ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसको लिख जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ग्रेफ्टिंग अगर बात करेंगे तो ग्रेफ्टिंग में कौन कौन सी आती है, देखो सॉफ्ट वुड ग्रेफ्टिंग होती है, सॉफ्ट वुड ग्रेफ्टिंग। तो सॉफ्ट वुड ग्रेफ्टिंग किसमें करते हैं बच्चा, ये करते हैं किसके, काजू के अंदर, काजू यानी कि कैश्यू नट के अंदर क्या करते हैं, सॉफ्ट वुड ग्रेफ्टिंग करते हैं। इसके अलावा बीनियर ग्रेफ्टिंग होता है, बीनियर ग्रेफ्टिंग किसमें करते हैं, मैंगो में करते हैं। ये सब पूछे गए क्वेश्चन बच्चों, सब क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, मैंगो में करते हैं। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है कि जो ग्रेफ्टिंग है, ठीक है, इनमें पूछता है बताइए, एक होता है आपका उसे क्या बोल देते हैं, तो जुड़ जाता है इनआर्चिंग, इनआर्चिंग ये कैसे करते हैं, सपोर्टा में करते हैं, सपोर्टा में करते हैं, ठीक, इनआर्चिंग से बच्चों सपोर्टा में करते हैं, ठीक है। हाँ गुड मॉर्निंग सर, आई एम सुरेंद्र कुमार राजपूत फ्रॉम कन्नौज, ओके वेलकम टू द सेशन, स्वागत है आपका। चलिए टी बडिंग की अगर बात करेंगे तो टी बडिंग को हम लोग और क्या बोल देते हैं, लिख लो इसको, टी बडिंग को सील्ड बडिंग बोल देते हैं, और ये मुख्यतः गुलाब में करते हैं, गुलाब में, इसके अलावा बेर में भी करते हैं कॉमर्शियली देखा जाए तो। और बेर की अगर बात करें तो सब कुछ रिलेट है, सब कुछ आपस में रिलेट है, आप अगर इस तरीके से याद करो बहुत कुछ याद हो जाएगा। देखो बेर की बात करेंगे तो इसमें रोज में भी करते हैं, बेर में भी करते हैं, बेर में एक और बडिंग करते हैं वो है रिंग बडिंग, कौन सी करते हैं, रिंग बडिंग भी करते हैं, ठीक, इसको याद रखो। अब बात करते हैं लेयरिंग की, ठीक है, यहां से हटा दे, नोट कर लिया हो, स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, स्क्रीन शॉट वाली फिर आप ले सकते हैं, और नहीं तो लिख लिया करो, एक जगह नोट बना लिया करो, ठीक है। हाँ सील्ड बोर्ड से भी बोलते हैं आप तो बिल्कुल सही, ठीक है, चलो इसको हटा देता हूँ, हटा दू, अच्छा देखो अब बात करते हैं लेयरिंग की। देखो लेयरिंग में जो इंपॉर्टेंट है वो दो तीन है, एक तो एयर लेयरिंग इंपॉर्टेंट है, एक माउंड लेयरिंग इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम में ज्यादा आती हैं, ठीक। एयर लेयरिंग में एक एग्जाम्पल ज्यादा आता है वो है लीची, इसके अलावा जो लाइम वगैरह होते हैं, ठीक है, जो सिट्रस ग्रुप है उनमें भी आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं, और अनार में भी कर सकते हैं यानी कि पोमग्रेनेट में भी एयर लेयरिंग कर सकते हैं। माउंट लेयरिंग की अगर बात करेंगे तो ये मुख्यतः यदि गुआवा के अंदर, गुआवा में भी एयर लेयरिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं गुआवा में कर नहीं सकते, कर एयर लेयरिंग सब में अपना सकते हो, पर मुख्यतः जो है माउंट लेयरिंग गुआवा में पूछी जाती है, एग्जाम में भी यही आती है, ठीक, याद रखिएगा। सीड की अगर बात करेंगे तो सीड में भाई किस किस में करते हैं, देखो फालसा में सीड से करते हैं, पपाया में सीड से करते हैं, ठीक है। जो प्लांटेशन क्रॉप है जैसे कि मतलब काजू को छोड़कर या चाय को छोड़कर मान लो, कोकोनट में सीड से करते हैं, आपका कोकोआ में सीड से करते हैं, ठीक है। और अगर बात करेंगे तो लिख लो रबड़ में सीड से कर देते हैं, मतलब रबड़ में तो मतलब फॉरकेट बडिंग, सॉरी रबड़ में हल लिख लो यहीं पर लिखा देते हैं, रबड़ में फॉरकेट बडिंग अपनाते हैं मुख्यतः, क्योंकि आप तो मुख्यतः याद रखेंगे फॉरकेट बडिंग करते तो सीड से भी फॉरकेट बडिंग, ठीक है। चलो तो इतना प्रोपगेशन याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों बात यह है कि अब आपका इतना प्रोपगेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ इपिकोटाइल ग्रेफ्टिंग भी लिख लो, इपिकोटाइल ग्रेफ्टिंग भी मैंगो में करते हैं, ठीक है। इपिकोटाइल ग्रेफ्टिंग ऐसे स्टोन ग्रेफ्टिंग बोल देते हैं, ये मैंगो में करते हैं, ठीक। क्राउन ग्रेफ्टिंग परसीमॉन में करते हैं, ठीक है, परसीमॉन में क्या करते हैं क्राउन ग्रेफ्टिंग कर लेते हैं, ठीक। तो इतनी जानकारी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहाँ तक क्लियर हो गया, वाई टाइप कर दो। देखो मुझे पता है कि इतनी जानकारी लिखने की सबकी आदत नहीं होती है, ठीक है। आजकल आदमी जो है रील का जमाना है, पतली कमरिया वाला जमाना है, तो आदमी रुकता नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से जितना बच्चा पढ़ रहा है उतना पढ़ता रहे, जो जानकारी लिखा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, जिस दिन पेपर देके आओगे उस दिन आराम से ये बात बोल देना कि रात को 8 वाली क्लास के सुबह वाली क्लास से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। लेकिन अगर तुम इससे जज करोगे सर ये फालसा वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अरे बेटा फालसा के अलावा ये जो लिखा आ रहा है ना ये पूछा जाए, ये भी तो पूछा जाएगा, इसको भी लिखना जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, आगे देखो एप्पल में, सर देखो एप्पल में करते हैं टंग ग्रेफ्टिंग, एप्पल पियर पीच प्लम इन सब में क्या करते हैं टंग ग्रेफ्टिंग करते हैं। आप लोग इसे पूछते तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जैकफ्रूट में भी इनआर्चिंग कर लेते हैं, ठीक बात है, ओके क्लियर है, बड़े आ गए। चलो हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी ऑफ ब्लैक पेपर, अब देखो ये भी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है बताइए। हाँ विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र, बिल्कुल कल्याण, ठीक कल्याण बढ़िया लड़का है, कल्याण महाराष्ट्र क्या लगता है मुझे, ठीक है। हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी ऑफ ब्लैक पेपर,
काली मिर्च की हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी कौन सी है? श्रीकारा है, शुभांगी है, पन्यार है या पंचामी है? अब देखो, अगर आपको इसका क्वेश्चन नहीं मालूम है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर नहीं मालूम है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हाँ आपको इतना मालूम है ना, ठीक है, आपको इतना मालूम है ना कि भैया श्रीकारा, शुभांगी, पन्यार, पंचमी ये जो है ब्लैक पेपर की वैरायटी है, ठीक है। अरे शहर का भूत, यार पता होता क्या है, माँ बाप इतना मुश्किल से नाम रखते हैं, ठीक है, जब भी नाम संस्करण होता है ना तो बड़ा घर वालों को दावत दी जाती है, बाहर वालों को अच्छे तरीके से सब कुछ, नबी अल्लाह हमारा आया है इसका नाम रखेंगे, रिश्तेदारों से पूछा जाता है, सबसे पूछा जाता है कि क्या नाम रखें, 250-400 नाम नॉमिनेट होते हैं, पंडित जी बुलाए जाते हैं, इतना खर्चा होता है तब नाम रखे जाते हैं कि बच्चे का, हमारे अल्लाह का नाम जो है रामू होगा, हमारे अल्लाह का नाम जो है वो श्यामू होगा, हमारे अल्लाह का नाम क्या होगा, सुमन होगा बेटे का नाम, और ये नाम होगा, इतना मुश्किल से नाम रखा जाता है, ठीक है। फिर लल्ला बड़ा होते हैं और लड़का बड़ा होता है फिर अपना नाम रखता है, शहर का भूत, ठीक है, जीने नहीं दूंगा, ठीक, पुतिन, हाँ चलो पुतिन तो अच्छा नाम है, चलो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी भाई साहब, अरे अपना नाम माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया है, इतनी मुश्किल से नाम रखा कि बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, ठीक है, हाँ दुनिया में भैया अच्छा नाम करेगा, और वहाँ पर भूत उतरा, भूत तो मरने के बाद बच्चा भूत बनता है, अरे कम से कम हिंदुस्तान में मोदी जी नाम रख लो, ठीक, कम से कम चलो अच्छा व्यक्ति का नाम रख रहे हो, आप पुतिन रख लो, चलो ठीक है, एक दो लड़के आते हैं, लेकिन ये भाई साहब शहर का भूत क्या होता है, ठीक है, हाँ मतलब भूत तो वो होते हैं जिन्हें दर दर की जो आपके ठोकरें खाते हैं, जिन्हें रुकने का कहीं कोई अवसर नहीं होता, जिनका कोई घर नहीं होता, ठीक, हर जगह लात मार के भगाए जाते हैं, ठीक है, जो जो तड़पते रहते हैं, ऐसा नाम रखे हो, माँ बाप मम्मी पापा देख लेंगे तो अंदर से टूट जाएंगे, यस, एक लाइन बोलेंगे पी वाली, फिर बोलेंगे पैसा बर्बाद, ठीक है, क्या बताएं, पढ़ो लो अच्छे से, चल तो हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी कौन सी बेटा, पंचमी है, तो पंचमी जो है ये हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी है। अब देखो आपके एफओ में क्या पूछा जाता है, एफओ में पूछेगा कि देखो एफओ क्या पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सी आपकी ब्लैक पेपर की वैरायटी है, तो ये श्रीकारा, शुभांगी, पन्यार और पंचमी, ये आपकी वैरायटी किसकी है, ब्लैक पेपर की है। इसके अलावा भी अगर बात करेंगे, ठीक है, एक और कौन सा, देखो अब पढ़ लो, श्रीकारम, शुभांगी, पन्यारम, पंचमी, ठीक है, एक और है, ठीक है, वो है कल्लूवली, कल्लूवली देखो सपोटा की भी है, कल्लूवली, तो कल्लूवली भी क्या है, ये भी ब्लैक पेपर की वैरायटी है, ठीक है, और हाइती, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक पेपर से और क्वेश्चन क्या आएगा, हाँ एक क्वेश्चन याद रखना कि ब्लैक पेपर जो है किंग ऑफ वीड है, सॉरी किंग ऑफ स्पाइसेस है, तो किंग ऑफ स्पाइसेस ही पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा, क्या बताइए सबसे ब्लैक पेपर कहाँ होता है, तो केरला में होता है, ठीक है, तो केरला में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा जो है, ठीक, ये आपका ब्लैक पेपर ग्रो किया जाता है, तो इसको भी याद रखना, ठीक है, हाँ। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि देखो ब्लैक पेपर जो होता है इसके अंदर कौन सा कंपाउंड होता है, देखो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखा करो, कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, तो पिपरीन नामक कंपाउंड जो है ब्लैक पेपर के अंदर पाया जाता है, तो कौन सा, पिपरीन, तो पिपरीन। अब देखो अब आपके हो सकता है आपके एग्जाम में ये ना पूछे, लेकिन आपको श्रीकारा, शुभांगी, पन्यार पूछ सकता है, ठीक, कल्लूवली पूछ सकता है, किंग ऑफ स्पाइसेस पूछ सकता है, केरला पूछ सकता है, पिपरीन पूछ सकता है, ठीक है, ये सब पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहीं से आपको क्वीन भी याद होनी चाहिए कि क्वीन कौन है, तो बेटा क्वीन है आपकी स्मॉल कार्डमम, छोटी इलायची, स्मॉल कार्डमम, छोटी इलायची जो है वो हमारी क्या है, मसालों की रानी है, और राना कौन है ये, और राजा रानी कहाँ रहेंगे भाई, राजा रानी तो साथ साथ में रहेंगे ना, दूर थोड़ी रहेंगे, ठीक, तो सबसे अधिक जो है रानी कहाँ ग्रो होती है, केरला में होती है, ठीक है, तो ब्लैक पेपर ये दोनों केरला में होते हैं, ठीक है, सबसे अधिक स्पाइसेस जो है राजस्थान और आपके गुजरात रीजन में ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, हाँ, चूंकि देखो मेजर स्पाइसेस ना होते हैं, और केरला में क्या है, मेजर होते हैं, जैसे कि जो राजा रानी है, ठीक है, ये कहाँ, ये केरला में है, ठीक, याद रखिएगा, ओके, क्लियर है, हाँ, पन्यार 1 और 3 बेबी सही बात है, ओके, हाँ, ये दोनों हाइब्रिड है, वेरी गुड, ठीक है, और कोई दिक्कत, चलो सही बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर इज सिचुएटेड एट, अब बताओ डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर कहाँ पे है, ठीक है, बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ, केरला में है, पुणे में है, कर्नाटक में है, बेंगलोर में है, बताइए डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर कहाँ पे है, नलायको बताओ, केरला, पुणे, कर्नाटका, बेंगलोर, फटाक से बताइए, हाँ, सबसे ज्यादा दुख होता है जब रात वाली क्लास में आपका मित्र आपकी क्लास ना कर रहा हो, उसे पता ही नहीं, मतलब आजकल के लड़के कितने नालायक हो गए, कल हमारी एक मित्र से बात हो गई, ठीक है, तो वो कह रहे हैं, हमने कहा, बोले यार तू क्लास आजकल तुम यूट्यूब पे यार कोई क्लास नहीं दे रहे हो, कम से कम जनरल करके कोई क्लास दे दो, हम लोग भी देख लें, हमें रात को 8 बजे आ तो रही है, कौन सी क्लास, तुम्हारी सुबह हॉर्टिकल्चर वाली आती है,
अरे हमने कहा वाह उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान, ठीक है, आप बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा वाली बात कर रहे हो, बहुत लंबी लंबी गालियां दी फिर हमने उनको, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि आप लोग पेपर दे के आए उसके बाद के एक फिर रात का ढल क्लास मैंने की नहीं। कौन सी क्लास थी बेटा, 60 क्लास हो चुकी है रात को 8 वाली, आपको करनी ही करनी है। डायरेक्टर ऑफ फ्लोरिकल्चर कहाँ पे बैठा, पुणे में है, ठीक है बच्चा, पुणे में स्थित है, ठीक है। आगे देखो, विच क्रॉप डज नॉट रिक्वायर चिलिंग फॉर फ्लावरिंग, बताओ भैया कौन सी क्रॉप चिलिंग नहीं चाहिए, बताओ किस क्रॉप क्रॉप को जो है चिलिंग नहीं चाहिए, बताओ। अरे बेवफा नहीं निकला, पागल हो, बेवफा नहीं है उसकी, बैड लक है, बेवफा नहीं है, अब वो कंप्लीट भी नहीं कर पाएगा टाइम से, क्योंकि अब टाइम नहीं है। विच क्रॉप डज नॉट रिक्वायर चिलिंग, बताइए। बीट रूट, ट्यूलिप, कैबेज, बीट लीफ, क्या हो जाएगा, बीट लीफ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीट लीफ जो है एक प्रकार की सब्जियों के उसमें काउंट हो जाता है। आगे देखिए, इन फ्लोरोसेंट टाइप बनाना, अब ये देखो ये भी पूछा गया क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन 500 बार पूछा था एग्जाम में, हाँ हाँ ओके। इन फ्लोरोसेंट टाइप बनाना, स्पैडिक्स, कैटकिन, पेनिकल, साइमोस, बताइए फटाक से, शेयर कर दो दोस्त के पास, शेयर कर दो। देखो बहुत अच्छी बात है, देखो मैं आपको एक एक ऐसी बात बताता हूँ लाइफ में, इसको हमेशा याद रखना कि आप ना, जैसे आप लोग, हमें आप मानता हूँ कि आप लोग अभी थोड़े से इमेच्योर हो कुछ कंडीशंस में, हो सकता है कि अगर जल्दी से कोई अगर किसी की ज़्यादा तारीफ करे तो आपको वो अच्छा लगने लगे, कोई किसी की बुराई करे तो आपको खराब लगने लगे, ठीक है। तो जो इमेच्योर हो उसको मेच्योरिटी देनी चाहिए हमेशा, लेकिन जो मेच्योर हो उसको आपको ज्ञान नहीं देना चाहिए, वरना उसको ज्ञान लगता है भी, ठीक। तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से कि ज्ञान जो है हमेशा उसी व्यक्ति को दें जिस व्यक्ति को उस ज्ञान की आवश्यकता है, ठीक। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आप ज्ञान दे रहे हो जिसके पास सफिशियंट ज्ञान है तो वो कहेगा ऐसा है ज्ञान मत यहाँ दो, या इसके बीच में कोई अच्छी शब्दावली डाल देगा। तो हमेशा अपने ज्ञान को समेट के रखो, ठीक है, जहाँ जिसकी आवश्यकता हो वहीं पर निकालें। हर जगह अगर ज़्यादा बोलेंगे आप तो आपकी इज्जत कम होगी, इस बात का ध्यान रखा करें, समझ गया, ओके भैया। हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है भाई, सबका आंसर सही है। स्पैटिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पैटिक्स। तो एक टू दी पॉइंट क्वेश्चन क्या है कि जितनी प्लांटेशन क्रॉप है उन सभी प्लांटेशन क्रॉप का क्या होता है, स्पैटिक्स होता है। अब वो चाहे तुमसे कोकोनट पूछे, चाहे वो बनाना पूछे, चाहे वो आपका ये कोकोआ पूछे, चाहे रबड़ पूछे, चाहे आपका काजू पूछे, सबका इनफ्लोरेसेंस क्या जाएगा, स्पैटिक्स जाएगा, ठीक। कैटकिन किसका होता है, कैटकिन है मलबरी, मलबरी क्या होगा, कैटकिन हो जाएगा। पेनिकल किसका होता है, पेनिकल हो जाएगा आपका पपाया का, बनाना का, सॉरी पपाया का, मैंगो का, ठीक है, और कौन सा तुम्हारा राइस का यानी कि पैडी का और लीची का, ठीक है, इस सबका क्या हो जाएगा, पेनिकल हो जाएगा, ठीक। तो अब ये चीज़ें आपको टू दी पॉइंट करके याद रखनी है, कहीं कोई टेंशन लेनी नहीं है, टू दी पॉइंट करके याद रखनी है। आगे देखो, ग्रेफ्टिंग बिटवीन पीच एंड प्लम इज कॉल्ड बड ग्रेफ्टिंग, क्लिफ ग्रेफ्टिंग, इनेल ग्रेफ्टिंग, इंटरस्पेसिफिक ग्रेफ्टिंग। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन अगर सॉल्व कर लोगे तो वहाँ सिंपल लगेगा। आज ज़्यादातर मेरा प्रोपगेशन जो मेरा फोकस है वो प्रोपगेशन वाले पे है, अगर आप ध्यान दें तो, ठीक है। हाँ और मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास भी सोच रहा हूँ, 2 घंटे की होगी, जो मैं पूरी हॉर्टिकल्चर को समराइज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हो सकता है कि अगले संडे के बाद लूँ मैं, हाँ, तो उसको तब तक आपका रिजल्ट वगैरह भी आ जाएगा, तो बच्चे थोड़ा तैयारी करना भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी तो बहुत बच्चे कह रहे सर रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, टेंशन में है, ठीक है। हाँ तो मैराथन में ध्यान नहीं देंगे, तो अगले संडे के बाद हम ले आएंगे। और बताइए, ग्रेफ्टिंग बिटवीन पीच एंड प्लम, अगले मतलब इस संडे के बाद, संडे जो आने वाला है इसके बाद, ओके ओके भैया, आंसर क्या रहेगा इसका, हाँ बिल्कुल सही है, इंटर स्पेसिफिक ग्रेफ्टिंग। तो देखो नाम से ही क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन से घबराना है नहीं। अब देखो क्या कर रहा है, पीच और प्लम के बीच करवा रहा है, ठीक है, तो यहाँ स्पीसीज जो है थोड़ी सी अलग अलग है, तो क्या रहेगा, इंटर स्पेसिफिक ग्रेफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ ओके, हाँ सर, मैच्योरिटी इज व्हेन रियलाइज यू कंट्रोल योर वर्ड, बिल्कुल सही आर्टिकल सर। चलो, डेट पाल्म इन विच टाइप ऑफ फ्रूट क्रॉप, ठीक है, डेट पाल्म किस प्रकार की। अब देखो ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, देखो मैंने यहाँ पर एग्जाम नहीं लिखे हैं, मैं कभी कभी एग्जाम भी लेकर रहता हूँ, बट अभी रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा, आ जाएगा इस हफ्ते में, ठीक है, एग्जाम नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, तो मैंने करवाया है, मोनोसिस डायोसिस बोथ नब दीज, ठीक है। अब डेट पाल मुख्यता कैसा होता है बता देना, फटाक से बताओ, जल्दी जल्दी बता करो। अच्छा एक बार, एक और बात है यार, 50 बच्चे देख रहे हो, 27 लाइक है आज तक, आज हमने कहा नहीं तुमने किया भी नहीं, ठीक है, हाँ आज हमने कहा नहीं तुमने किया भी नहीं नालायक को, ठीक है। हाँ, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक में क्या होता है, देखो अगर अलग अलग स्पीसीज होंगी उनके बीच जब क्रॉस होगा तो उसे इंटर स्पेसिफिक बोल देंगे, अगर एक ही स्पीसीज है अलग अलग वैरायटी के बीच जब क्रॉस हो रहा है उसे इंटर स्पेसिफिक बोल देंगे, ठीक है। हाँ, जब एक ही स्पीसीज की वैरायटियों के बीच में आपस में क्रॉस होगा उसे इंट्रा बोल देंगे, इंटरवल होता है आपस में, इंटरवल होता है बिटवीन, ठीक है, इंटरवल क्या होता है बिटवीन, ठीक है। हाँ, अंग्रेजी पढ़ो,
रूट वर्ड निकालो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है ओके। तो इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर क्या बेटा डायोसियस रहेगा। अब देखो जितने बच्चे कुछ बच्चे मोनोसियस बोल रहे हैं, अरे विष्णु तुम बहुत नालायक हो चुका, सुनो देखो तो भगवान जी का नाम पर नाम रख के भगवान जी कहेंगे हाँ भाई तुम उनके नाम पर अब नाम रख लिया नालायक, सही आंसर दिया करो, ठीक है बताओ। तो डेट पाम जो होता है विस टाइप ऑफ फ्रूट है, तो डायोसियस है। अरे मोनोसियस मोनोकॉटिलीडन है वो, ठीक है मोनोकॉटिलीडन और मोनोसियस एक थोड़ी होता है, अलग अलग होते हैं नालायकों, ठीक है। डेट पाम कैसा है, मोनोकॉटिलीडन है, ठीक है, यानी कि एक बीज पत्री है। अब इधर क्या है, डायोसियस है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पर होते हैं, और मोनोसियस क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर होते हैं लेकिन फ्लावर अलग अलग होता है, समझा करो, ठीक है। मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर है, यानी मेल और फीमेल एक ही घर में है लेकिन कमरे अलग अलग हैं, भाग ना तो पॉलिनेशन कैसा होगा, क्रॉस ही होगा, सिंपल सेल तो हो नहीं पाया क्योंकि कमरे अलग अलग हैं, ठीक। तो कंडीशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई साहब कमरे नहीं, यहाँ पर घर ही अलग अलग है, तो डेट पाम कैसा है, घर अलग अलग, ठीक है, क्योंकि डेट तो वही करेगा जो अलग अलग घर में रहेगा, ठीक है, पता वहाँ वहाँ मिलने आए डॉक्टर, ठीक है ओके क्लियर है। हाँ फिटनेस देखो जग गया ये नालायक। द ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड टू रिड्यूस द फ्लावर ड्रॉप इन चिली। अब देखो ये ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनते हैं कभी कभार। हाँ हाँ बोलो, हाँ बताओ ओके। अरे भैया हमें नहीं पता रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट इस हफ्ते में आ जाना चाहिए, ठीक है। हम अगर IBPS में अगर हमारे कोई रिश्तेदार रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, मतलब कोई ऐसे हाई पोस्ट पर, तो हम पूछ के तुम्हें बता देते हैं, हाँ ही नहीं कोई। अब तुम लोग जब आप जाओ अच्छे जाओ IBPS में जाओ, अच्छे पोस्ट पर जाओ, बढ़िया ऊपर तक पहुँच जाओ, एग्जामिनर वाले में पहुँच जाओ, फिर बताना फिर जी पता है परसों रिजल्ट आएगा, बच्चों को बोल देना, बट बोल देंगे, ठीक है। हाँ तुम्हारे नंबर नहीं आए पूरी, ठीक है, तुम लोग अच्छे से करो, हाँ ठीक है चलो बताओ भैया क्या बोल रहे हैं। ओके नेप्थलिन एफटी एफटी बोलते हैं, NAAA बोलते हैं, वेरी गुड भाई साहब तुम लोग कितने अच्छे बच्चे हो, कितने सही आंसर दे देते हो कभी कभी, क्या है NAA है, वेरी गुड। अच्छा अब देखो यहाँ से हार्मोन रखा हुआ है, अब हार्मोन से क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, देखो मेरे जवान पर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेंगे, प्यार से बैठे रहो। देखो ABA से क्या क्वेश्चन बनेगा, ABA से क्वेश्चन बनेगा कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोल देते हैं, क्या बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, क्या करता है डॉर्मेंसी को बढ़ा देता है, ठीक, दो क्वेश्चन बनेंगे आराम से कोई दिक्कत नहीं। इथोफोन से क्या बनेगा, इथिलीन, ठीक है, ये क्या है राइपेनिंग हार्मोन है, ठीक है। NAA से क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कौन सा ऑक्सीजन है, नेचुरल है कि सिंथेटिक है, तो नेचुरल में आता है इंडोल एफटिक एसिड, फिर बात सुना करो इधर देखा करो इधर, ठीक है हाँ इधर देखो, ठीक। तो हमने क्या कहा इंडोल एफटिक एसिड कैसा है, ये आपका कैसा है, ये आपका नेचुरल है, और आपका ये नेप्थलिन एफटिक एसिड NAA कैसा है, ये सिंथेटिक है। नेचुरल जो आपका NAA है ये स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है, एक और होता है रूट की ग्रोथ में, ठीक है हाँ रूट की ग्रोथ में जो हेल्प करता है वो कौन सा है, वो है भाई साहब आपका इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, तो दिमाग के अंदर रखा करो टेंशन नहीं लेना। अच्छा ये सब क्या करते हैं, ये सब एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करते हैं, रूट सूट और इन सब की ग्रोथ में हेल्प कर देते हैं, ठीक याद रखा करो। जिब्रेलिक एसिड क्या है, ये डोर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है, तो डोर्मेंसी ब्रेकर कौन सा है, जिब्रेलिक एसिड है, ठीक। तो इन बातों को ध्यान रखा करो, प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, इतना मैंने याद रखो तो क्या याद रखोगे, और सुनो तुम्हें बता देते हैं, बताओ अच्छा फीमेलनेस को कौन सा हार्मोन बढ़ा देता है, बताओ बताओ फीमेलनेस को कौन सा हार्मोन बढ़ा देता है, और जो फीमेलनेस को बढ़ाता है वही आइसोडाइमेट्रिक ग्रोथ को बढ़ा देता है, अब बताओ आंसर, अब बताओ आंसर, देखते कितना होशियार हो तुम लोग, ठीक है डेली डेली क्लास करेंगे नालायक आंसर नहीं देंगे, बताओ आंसर जल्दी से, फीमेलनेस को आइसोडाइमेट्रिक ग्रोथ को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है, अब पूछा गया क्वेश्चन, इफ को भी पूछा गया क्वेश्चन, बड़ा बड़ा हाँ ओके बताओ इसका आंसर, इथिलीन 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 इथिलीन, अरे सही है क्या, चलो ठीक है सही मार दिया, देखो कल्याण साइटो वाला तुम्हारी साइटो कर देंगे, सेल जो है डिवाइड होने से रोक देंगे कल्याण, ठीक है हाँ, जो तुम्हारी साइटो काइनोसिस हो रही है ना, सेल का डिवीजन हो रहा है उसको रोक देंगे एकदम, ठीक है हाँ, पर एक ही रोक गुड़प्पा बन जाएगा, चलो क्या रहेगा, हाँ ओके। अब देखो द मोस्ट सुटेबल वेजिटेबल टू बी ग्रोन इन सैलाइन सॉइल, आहा बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल बताइए, ठीक है सैलाइन सॉइल मोस्ट सुटेबल कौन सा बच्चा, पोटैटो वाटरमेलन कैबेज बीट, बताओ बोलो फटाक से बोलो, ओके फटाक से बोलो ओके, हाँ पोटैटो वाटरमेलन कैबेज और बीट बीट, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बच्चों हाँ बीट हो जाएगा। देखो मोस्ट सुटेबल पूछा गया है, तो अब देखो बीट रूट जो है ना बड़ा मोस्ट सुटेबल है, ठीक है हाँ याद रखना, क्लियर एकदम ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, चलो हाँ शहर का भूत आंसर नहीं दे रहा है नालायक, चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैक्टर ऑफ येलो वेन मोजेक ऑफ ओकरा, अब ये बताओ पूछा गया क्वेश्चन है, अब बहुत ऑप्शन भाई टेंशन लेता है,
अब इसमें दोनों ऑप्शन रखे हैं, ठीक है। इसका आंसर हमको हमने कई लोगों से कंफर्म किया, ये है वो है, हम इसको लाने वाले भी नहीं थे, पर हम ले इसलिए आए ताकि आप लोग भी इसको कंफर्म करें, ठीक है। हाँ, अब जो नॉर्मल किताबें हैं उनमें इसका आंसर कुछ और लिखा रहता है, किसी और किताब में इसका आंसर और भी कुछ लिखा रहता है। आकाश भाई रिजल्ट कब आएगा हमें नहीं मालूम। हाँ, आ जाएगा इस हफ्ते के आसपास आना चाहिए। चलो, तो अब देखो व्हाइट फ्लाई आप लोग आंसर दे रहे हैं इसका, ठीक है, ओके। तो जनरल किताबों में व्हाइट फ्लाई ही लिखा रहता है, ठीक, लेकिन ये थोड़ा सा जो आपकी कुछ और बुक्स हैं उनमें हमने इसका आंसर एफिड भी देखा है। क्या देखा? एफिड भी देखा। आप लोगों ने व्हाइट फ्लाई देखा, चलो अच्छी बात है, आप सबने व्हाइट फ्लाई देखा, पर मैंने इसका आंसर, क्योंकि हो सकता है कि वो किताब मैं नहीं पढ़ी ना पढ़ी हो, ठीक है, तो हमने इसका आंसर एफिड भी देखा है, ठीक है। तो हमने इसको कंफर्म भी किया, तो कुछ लोगों ने एफिड बताया, कुछ लोगों ने व्हाइट फ्लाई बताया, ज्यादातर लोगों ने व्हाइट फ्लाई बताया, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने व्हाइट फ्लाई ही होगा पढ़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब पूछा क्वेश्चन मेरा लाना कर्तव्य है, ठीक है, तो हमने इसीलिए हम इसको लेके आ गए यहाँ पर, ताकि इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो मुझे अपडेट जरूर करिएगा, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, फिर सिस्टम यूज फॉर द हाइब्रिड प्रोडक्शन इन अनियन। अब ये एमएससी पूछा गया क्वेश्चन था, हालांकि एफओ में लाने वाले नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं एफओ में, फिर हम ले आए क्योंकि ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें। विच सिस्टम यूज फॉर हाइब्रिड प्रोडक्शन इन अनियन, अनियन में हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए कौन सा सिस्टम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेल्फ कंपेटिबिलिटी, डायोसिस, साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी या जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, बताइए। हाँ, त्रिवेदी कह रहा है मैम से पूछना, त्रिवेदी कौन सी मैम, अच्छा अच्छा मीनाक्षी मैम से पूछ रहे हैं क्या, ओके गॉट इट, नाइस आइडिया, थैंक यू। चलो, विच सिस्टम यूज फॉर द हाइब्रिड प्रोडक्शन इन अनियन, सेल्फ कंपेटिबिलिटी, डायोसिस, साइटोप्लाज्म स्टेरिलिटी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, ओके। क्या जाएगा? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मुन्ना डाउन पूछ रहे हैं रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल, इनमें से कौन सी सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल नहीं है? काउपी, फ्रेंच बीन, टोमेटो, चिली, फ्राइस। बोलो जल्दी जल्दी, बोलो बताओ, अब जल्दी जल्दी बोला करो, अब क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। हाँ, अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम मिलन समझ कर उसे देखने गया तो था प्लेटफॉर्म खाली, गाड़ी चली गई थी, ठीक है, तो इसलिए अंतिम मिलन नहीं है, फटाक से बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल, काउपी, फ्रेंच बीन, टोमेटो, चिली। अब बच्चा देखो, जो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन करते हैं, देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग रात को 8 वाली क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते टाइम से? आज रात को सभी की 60 के 60 बच्चों की अटेंडेंस 8:02 पर चाहिए, 8:02 पर 8 बजे क्लास में जुड़ जाना चुपचाप, और ये क्लास तो अल्टरनेट होती है, क्या करो। हाँ, चिली 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 चिली। अब बताओ, ग्रिडलिंग जनरली प्रैक्टिस इन, अब देखो ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, सब पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रिडलिंग जो है मुख्यतः बताइए, ओके, पपाया, गुआवा, ग्रेप, मैंगो, बताओ भैया, बताओ भैया, बताओ भैया, अंतर ज्यादा बताओ, मुकेश बताओ फटाक से आंसर, ओके बताओ, हाँ फटाक से बोलो, फटाक से बोलो भैया, फटाक से बोलो, ग्रिडलिंग जनरली प्रैक्टिस इन, पपाया, गुआवा, बोलो, डाउनवर्ड नहीं सर, आई एम नॉट मुस्किन, अच्छा डाउनवर्ड, अच्छा ओके भाई, कोई बात नहीं, अगर बोल भी दे तो क्या, ठीक है, ओके, ग्रेप 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 ग्रेप, सर महाराष्ट्र आ जाओ पढ़ाने, महाराष्ट्र आ जाए सर, वाली क्लास में नेटवर्क इश्यू है, अच्छा ओके, क्या आंसर जाएगा? ग्रेप हो जाएगा आंसर, क्या जाएगा बच्चों? ग्रेप इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाँ अंगूर हो जाएगा, थैंक यू, क्या जाएगा? ग्रेप हो जाएगा। आगे देखो, अमंग कुकरबिट्स विच फ्रूट इज रिचेस्ट इन आयरन कंटेंट, अब बताओ, बताओ डॉक्टर साहब, बताओ बताओ कौन, जितने भी कुकरबिट्स होते हैं उनमें आयरन कंटेंट किस किसके अंदर अंतर था, निम्नलिखित में से ऑप्शन में बताना, बिटर गार्ड, वाटर मेलन, मस्क मेलन, बॉटल गार्ड, बोलो बटाक से बोलो। देखो दो कुकरबिट्स हैं जिनके अंदर आयरन कंटेंट अच्छा होता है, पहला होता है आपका कौन सा, बटर मेलन, और दूसरा होता है बिटर गार्ड, ठीक है, तो इनमें से किसके अंदर ज्यादा होता है, तो बॉटल गार्ड के अंदर आयरन कंटेंट ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, तो याद रखना इस बात को, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर क्या आएगा, बिटर गार्ड आएगा, तो वाटर मेलन जो है इसके अंदर आयरन कंटेंट ज्यादा अच्छा होता है, ठीक। तो खून की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए, खून की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए वाटर मेलन भी काफी आवश्यक है, ठीक है। हाँ देखो, सब आयरन का काम है। अच्छा, आपने कभी सुना होगा, अच्छा क्योंकि मैं बॉटनी भी पढ़ाता हूँ, तो कुछ मैं उस चीज़ों को भी टाइम निकाल के पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, आपने कभी सुना होगा कि लड़कियों को ज़्यादा चक्कर आ जाते हैं, लड़कों को कम चक्कर आ जाते हैं, सुना है आपने, ठीक है। मतलब ऐसा होता है जनरली कि अगर कमजोरी वमजोरी है तो लड़के जो है थोड़ा टाइम तक टिके रहेंगे, खड़े रहेंगे भाई साहब, लेकिन लड़कियों को चक्कर आ जाएंगे, ओह माय गॉड, ठीक है, ओहो ठीक आ जाता है, ऐसा क्यों होता है, दिमाग नहीं लगाते तुम लोग, ऐसा सब ये साइंटिफिकली है डॉक्टर साहब, सब साइंटिफिकली है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो ये सब काम है हीमोग्लोबिन का, लड़कियों के अंदर, ये सब फैक्ट है भैया, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, पता लगे कोई हम पे आरोप लगा दे,
ये सब फैक्ट है, पढ़ लेना ठीक है। अब चूंकि सेल डिवीजन भी मैं ही पढ़ाता हूँ तो याद रखना। तो होता क्या है कि हीमोग्लोबिन जो कंटेंट है वो गर्ल्स में एज कंपेरिजन टू बॉयज कम पाया जाता है। और जब हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है हाँ, तो जैसे ही भाई साहब कि हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होता है ठीक, तो वो हीमोग्लोबिन कंटेंट ही क्या करता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के खटाखट घूमता रहता है। और उसमें चाहिए आयरन, उसमें क्या चाहिए आयरन चाहिए। तो कंडीशन कहाँ पे चेंज होती है कि जैसे ही जो लड़के होते हैं अगर इन्हें भूख वूख लगी है, मान लीजिए अंदर कंटेंट अच्छा नहीं है ठीक है, ज़्यादा काम कर चुके हैं, तो वो हीमोग्लोबिन जो है फटाफट घुल घुल के ऑक्सीजन दिमाग तक पहुँचाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये हीमोग्लोबिन कम होता है लड़कियों में, तो कम हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है वो ऑक्सीजन इतना तेजी से दिमाग के अंदर पहुंच नहीं पाती है, बॉडी के अंदर घूम नहीं पाती है, जिस वजह से कमजोरी में जब आप खाना वाना नहीं खाती है ना तो कमजोरी में लड़कियों के चक्कर ज्यादा जाते हैं एज कम्पेरिजन टू बॉयज ठीक, दिमाग का रखा करो। हाँ, ब्लड में कमी नहीं होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ब्लड तो चलो ठीक ही है, खबर मिल गया। हाँ ओके चलो, अरे ढूंढने से जमाना मिल जाता शेखर, दिमाग ढूंढो सब मिल जाएगा। चलो भैया, मेजर पेस्ट ऑफ पोटेटो ड्यूरिंग द स्टोरेज, ओहो आंसर आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर पेस्ट जो है पोटेटो में स्टोरेज का कौन सा है, पोटेटो ट्यूबर मौत है ठीक है, तो ये काफी खतरनाक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चा ठीक है। चलो आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ऑफ येलो वेन मोज़ेक, ये तो हो गया आंसर दोबारा आ गया। हाँ, इन ग्रेप फॉर प्रूनिंग इज डन, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मस्त है। हाँ बहुत बड़ा, अरे बता देंगे, ये बता देंगे, पढ़ लो ठीक है, टेंशन में जाते हो, टेंशन में जाते हो तुम लोग। हाँ, इन ग्रेप फॉर प्रूनिंग इज डन, इसीलिए मेरी विनम्र निवेदन है ठीक है। हाँ, अगर आपकी कोई महिला मित्र हो तो उसका ज्यादा ख्याल रखें। इस आज बताने का मतलब क्या था, बताने का मतलब ये थोड़ा था कि लड़कियों को ऐसे या ऐसे बोलना है कि वो जो है उनके अंदर हीमोग्लोबिन कम होता ना, मतलब ये था कि भाई साहब अपनी महिला मित्र का ज्यादा ख्याल रखें ठीक है, उसे किसी चीज़ की जरूरत हो आधी रात को उठ के जाए हेल्प करें ठीक है, पढ़ाई लिखाई बाद में भी हो जाएगी ठीक है, इसीलिए उसका ख्याल रखें। ओके, तो इन ग्रेप फॉर प्रूनिंग इज डन, रिमूव डेड पार्ट घटाने के लिए, इनकरेज वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, इनकरेज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए, या ड्वार्फिंग इन द प्लांट, बताइए किसके लिए होता है। तो याद रखिएगा ये क्या होता है, इनकरेज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए। तो प्रूनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को क्या करेंगे, बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, क्या करेंगे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को क्या करेंगे बढ़ाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। चलो ओके, गार्लिक कंटेंट अमीनो एसिड, गार्लिक के अंदर कौन सा अमीनो एसिड होता है, एलीन एलिसिन डाइलेल डाइफल्पाइड या एलिनेज होता है, बताइए प्रोडक्ट बताइए, जल्दी 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 बोला करो, एलीन एलिसिन डाइलेल डाइफल्पाइड या एलिनेज होता है, प्रोडक्ट बोलो फटाफट बोलो, फटाफट 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 मस्त तरीके से बोलो, एलीन एलिसिन बोलो, हाँ हाँ डाइलेल डाइफल्पाइड बोलो, एलिनेज बोलो, जल्दी से बोलो ठीक है। हाँ यार, तुम लोग 50 लाइक कर दो कम से कम, 49 लाइक पार्टी को कम अर्धशतक तो लगा दो, रात वाली क्लास में तुम लगाते हो शतक, अब सुबह वाली पारी में लगाते हो अर्धशतक ठीक है। हाँ, इतनी सी शर्म नहीं आती ना लायक होगा ठीक है, थोड़ी तो शर्म कर लो। ओके, एम्फर क्या जाएगा, एम्फर इसका जाएगा बड़ा एलिज, एलिन क्या जाएगा, एलिन हो जाएगा ठीक है। ओके क्लियर है, आगे देखो, डिग्रीनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट इज डन बाय द, अब तो डिग्रीनिंग कैसे करते हैं, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो भैया है ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, फटाक से बता दो। डिग्रीनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट में डिग्रीनिंग जो होता है किससे करते हैं, इथोफोन से, इथिलीन से, कैल्शियम कार्बाइड से, मिथिलीन ब्रोमाइड से। अब ये भी सब समझाने वाले क्वेश्चंस हैं, अब क्योंकि अब टाइम होने लगा है तो अब इसको खेलते समझा देंगे, बोलो बेटा। हाँ, अरे बेर में कर लेते बेटा, चलो डिग्रीनिंग ऑफ इथोफोन, इथिलीन, कैल्शियम कार्बाइड, मिथाइल मिथाइल ब्रोमाइड, ओके हाँ ओके, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका कैल्शियम कार्बाइड ठीक है, क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये क्या हो गया, डिग्रीनिंग इथिलीन से करते हैं, डिग्रीन इथिलीन से करते हैं डॉक्टर साहब, मेनली मेनली इथिलीन इसके रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है। ओके क्या होता है, हाँ मुख्यतः क्या होता है, इथिलीन होता है ठीक है। हाँ, आप लोगों का भी सही है, वेरी गुड ठीक है, आगे देखो, हो सकता है गलत मार्क। फिर डिजीज मोस्टली अकर इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑफ बनाना, बनाना की हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बताइए कौन सा डिजीज जो है आवश्यक होता है, मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा होता है, सीटो का, बंची टॉप, बनामा बिल्ट, फिंगर बिल्ट। अब देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच डिजीज मोस्टली अकर इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑफ बनाना, सिगटो का, बंची टॉप, बनामा बिल्ट या फिंगर टिप, बताइए। हाँ बोलो, अरे फल पका लेते हैं, फल पक जाता है उससे, पकता तो उससे भी है, टेंशन ना लो, इसे इन सबसे फल पकता है ठीक है, मुख्यता उसके। अब पूछा गया मुख्यता कौन सा, ओके तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फिंगर टिप, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, फिंगर टिप हो जाएगा। अरे हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सा होता है, फिंगर टिप होता है ठीक। चलो आगे देखो, ब्रांजिंग इन गुआवा, अरे फटाफट आंसर दो, खत्म कर दे, ब्रांजिंग इन गुआवा बताओ, मैग्नीज, मोलिब्डेनियम, जिंक, फास्फोरस, बोलो
एक तो हम नीचे देखते रहते हैं, क्योंकि कमेंट नीचे आ जाते हैं, अब इसको ऊपर रखवा लेंगे, ठीक है, टंगवा लेंगे टीवी खड़ाक से, ठीक है, कमेंट ऐसे आंखों में आंखें डाल के तुमको पढ़ाएं। और तुम लोग अगर रात को 8 बजे क्लास नहीं कर रहे हो ना, तुमको धुनेंगे अगर तुम लोग नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ ओके, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है, पीडीएफ की क्या आवश्यकता है, इसकी पीडीएफ की क्या आवश्यकता है तुमको, हमें ये समझ में नहीं आती, क्या करोगे पीडीएफ का? अरे क्वेश्चन कर रहा है आंसर दो, पीडीएफ वहाँ आ सकता है जहाँ डिटेल में लिखा होता है, जब लिखा होता है तब पीडीएफ लिया करो, हाँ आंसर सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। आगे देखो, कैम साइकिल इन फाउंड विच फ्रूट क्रॉप, कैम साइकिल जो होती है, ठीक है, ये किस फ्रूट क्रॉप के अंदर पाई जाती है, फटाफट से बोलो, कैम साइकिल बोलो फटाक से, जल्दी, ठीक है। हाँ पीडीएफ मिलेगी इसकी बैच में, आप बैच ज्वाइन करेंगे वहाँ आपको पीडीएफ मिलेगी, और वहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहाँ आपको कॉन्सेप्ट, क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो बेटा, तो आप बैच के अंदर ज्वाइन करिए, कूपन कोड लगाइए Y612A और बैच के अंदर मिल जाइए, ठीक है, टेंशन हो ही नहीं, ठीक है, हर एक समस्या का समाधान मेरे द्वारा कर दिया जाएगा आपको, टेंशन नहीं लेना। ओके, क्या आंसर जाएगा बेटा? हाँ आंसर रहेगा इसका पाइन एप्पल, क्या रहेगा, पाइन एप्पल। ओके, गायनो डायसेप्लाइटी पपाया, पपाया की गायनो डायसेप्लाइटी कौन सी है, पूसा मजेस्टिक, पूसा नन्ना, पूसा ड्वार्फ, ये ऑल ऑफ द अबव, फटाक से बोलो, अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम मिलन समझकर उसे देखने गया था प्लेटफॉर्म खाली, गाड़ी चली गई थी, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, गायनो डायसेप्लाइटी पपाया, पूसा मजेस्टिक, पूसा नन्ना, पूसा ड्वार्फ, ऑल ऑफ द अबव, बोलो फटाक से भैया, ठीक है। हाँ भैया, जल्दी 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 जल्दी, बस खत्म, क्वेश्चन हो गया भाई, हो गया भाई, क्लास हो गई खत्म, हाँ बस आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया उसका, हाँ पूसा मजेस्टिक, एक देखो डी आंसर दे रहा है, इसको धुनेंगे हम, इतना बढ़ाए हैं वैरायटी के बारे में, कहानियाँ सुनाए हैं, ठीक है। हाँ तो वहाँ नन्हा और ड्वार्फ कहाँ थे, नन्हा ड्वार्फ तो भैया डायोसिस थे ना, हैं तुम लोगों को कसम से, इतना कतई, हाँ चलो अभी फ्लेवर नए वाले बैच में काउंट कर रहे, नए वाले बैच में, पुराने बैच की तो बात ही नहीं कर रहे। हाँ चलो चलो भाई, तो ये देखो अब तुम्हें अपडेट कर देते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन आपके हो गए, ये हमारा एग्रीकल्चर महापैक है, अगर आप चाहते हो कि आपको हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी एक साथ कर लो, ठीक है, तो आपको इस एग्रीकल्चर महापैक में इनरोल करना है, इसका प्राइस 7000 दिखा रहा होगा, ठीक है, आपको Y612A जब यूज करेंगे तो इसका प्राइस काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ से अपडेट करता हूँ ताकि यहाँ से आपको टेंशन ना हो। देखो सर्च करना है आपको Adda247, सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद ऑल कोर्सेज में गए, ऑल कोर्सेज में अरे महाराज चले जाओ, एग्रीकल्चर में गए और ये गए आपके LPS SOFO में, SOFO में पहली बात आपका महापैक दिखेगा आपको, महापैक में मिलेगा आपको डबल वेल्टी, ठीक है, 2 साल की वेल्टी मिलेगी, आज अगर लेते हैं, ठीक है, और प्लस 80% ऑफ मिलेगा, आप सिंपली जाइए यहाँ पर 31 दिखा हुआ है डॉक्टर, इतना बड़ी बात, इधर देखो इंटर कूपन कोड भी अप्लाई करेंगे Y612A अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद 6300 में आपको पूरा बैच मिल जाएगा, ऐप से लेंगे तो आपको 6000 में मिल जाएगा क्योंकि क्वाइंस मिल जाएंगे, तो आप कोड यूज़ करना है Y612A, आपको उसमें नाबार्ड से लेकर FCI, नाबार्ड, AFO, फाउंडेशन और जुनून, MSC, ठीक है, जो भी आपके इन फ्यूचर TA वगैरह के बैच आने वाले, यानी जो बैच 2 साल तक आएगा पूरा बैच आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जो बैच 2 साल तक आएगा सब कुछ महापैक के अंदर मिलेगा, ठीक है, प्री मेन सब, ठीक, तो आप महापैक हो गया, इसीलिए इसका प्राइस 6000 रुपये के आसपास है, ठीक है, Y612 लगाने के बाद। AFO की अगर बात करेंगे तो देखो AFO में दो आपके पास ऑप्शन है, मान लीजिए अगर आपका ओनली हॉर्टिकल्चर कमजोर है, बीट साइज एक्सटेंशन कमजोर है, एग्रोनॉमी कमजोर है, किसी का एनिमल हस्बेंड्री कमजोर है, किसी का प्लांट साइज कमजोर है, तो उनके लिए इंडिविजुअल बैचेस है, देखो ये सब, देखो मेरा मेन उद्देश्य क्या है, ये पूरी कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है, अफोर्डेबल एजुकेशन, तो अगर आप में से इनमें से किसी एक सब्जेक्ट आपका कमजोर है, ठीक है, एक पोर्शन कमजोर है, तो आप एक इंडिविजुअल बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरा आगाज है, मैम का मंथन है, अभय फर है और संकल्प है, जुनून है, बच्चा बैच है, इन बैच के अंदर ज्वाइन करने के लिए भी आपको सेम कूपन कोड लगाना है Y612, ठीक है, आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको AFO की पूरी तैयारी करनी है, बैच भी आपको इसके अंदर चाहिए, तो आप AFO का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो सबसे ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, इसमें प्री की तैयारी भी आपकी पूरी करवाई जाएगी और मेंस की तैयारी भी पूरी करवाई जाएगी, और ये प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी, ठीक है, प्लस आपके ऑल बैचेस भी इसके अंदर रहेंगे जो इंडिविजुअल है, ठीक है, तैयारी कितने में होगी सर आप देख लेते हैं, सिंपल आपको अप्लाई करना है Y612A Y612A, जैसे अप्लाई करेंगे 2700 में यानी 2700 में आपको पूरा मेंस और पूरा प्री दोनों मिलेगा, ठीक है, पूरी क्लासेस रहेंगी, उनकी पीडीएफ रहेंगी, ठीक है, आपके ग्रुप्स रहेंगे, वहाँ कुछ कराई जाएगी, टू दी पॉइंट चीजें रहेंगे, ठीक है, और आपको प्रॉपर गाइडेंस आपका मिलता रहेगा, ठीक है, तो ये आपका बैच है। फैकल्टी कौन कौन पढ़ाएंगे आपको देख लीजिए आप एक बार, ठीक है, संदीप सर पढ़ाएंगे, वर्षा में पढ़ाएंगे, आकाश सर यानी कि मैं पढ़ाऊंगा, हीना में पढ़ाएंगे, मीनाक्षी में पढ़ाएंगे, सोना में आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, रूपम में आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, सिद्धार्थ सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है, ये आपकी फैकल्टी के सभी इमेज लगे होंगे, ठीक, तो ये आपका बैच रहा फाउंडेशन बैच जिसमें एनरोल कर सकते हैं, इसके अलावा जो है MSc और बिहार के BFSC बैच भी है, ठीक है, तो ये हमारा MSc का एंट्रेंस बैच है, ये बिहार का BFSC बैच है और ये पंजाब का ADO है,
ठीक है। तो अगर कोई बच्चा पंजाब रेडियो की तैयारी कर रहा है तो ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो पंजाब रेडियो के बैच में आप सिंपली Y612 ठीक है इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप ले सकते हैं ठीक है। तो ये सभी बैचेस के लिए आपका अप्लाई होगा Y612A। एग्रीकल्चर का बैच लेते हैं तो ए लगा दीजिएगा, आपका नॉर्मल कोई बैच लेते हैं आप ठीक है, बैंकिंग का SSC का किसी का, तो Y612 लगा दीजिएगा ठीक है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको लगाना है Y612S ठीक है, किसी भी टेस्ट सीरीज के लिए Y612S लगाना है, आपको मेजर डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है। भैया कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं ना, चलो तो ये आपका बैसे वाले जानकारी मैंने दे दी आपको, ख्याल रखिएगा अपना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है ठीक। और साथ ही साथ आज रात को 8 बजे क्लास होगी, एक एक बच्चा मेरे को 8 बजे चाहिए, एक एक बच्चा ठीक, अपना ख्याल रखिएगा बस। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल।